कोरोना संकट के बीच दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। तेल कंपनीज ने सोमवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76.26 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। इसके अलावा डीजल के दाम 74.62 रुपए हो गए हैं। ये लगातार बढ़ोतरी का 9वां दिन है। तेल कंपनियां जून 2017 के बाद से रोजाना के आधार पर कीमतों की समीक्षा कर रही है, जिससे पहले करीब 12 हफ्तों तक कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल से मूल्य में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया था। तो वही 7 जून से दाम में लागत के हिसाब से फेरबदल शुरू किया गया है। आपको बता दें कि उसके बाद से ये लगातार 9वां दिन है जब ईंधन के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के भावों में तेजी आई है। यहाँ पेट्रोल में प्रति लीटर 51 पैसे की वृद्धि हुई है। इसके बाद पेट्रोल 83 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल में 58 पैसे की वृद्धि हुई है। इसके चलते डीजल के दाम 75 रुपए 50 पैसे फिलहाल हो गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 9 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमत में 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बीके शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बताएं, जिस प्रकार से आज 9वां दिन है, लगातार ईंधन के दामों में यहां पर बढ़ोतरी हो रही है, क्या तमाम अपडेट है आपके पास? बीके, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जयती, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस प्रकार से आज 9वां दिन है, लगातार ईंधन के दामों में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, क्या तमाम अपडेट है आपके पास? जयती, ये थोड़ा सा मुश्किल का दौर है। अभी जिस तरह से कोरोना के कारण लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उद्योग व्यापार भी ठप है, लोगों के रोजगार के ऊपर भारी दबाव है, ऐसे में उपभोक्ताओं को जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो एक बड़ी एक अतिरिक्त महामारी की तरह ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है। और जिस तरह से हमें 2018 में जब क्रूड ऑयल की कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी, तब इस लेवल पर पेट्रोल डीजल की कीमतें पहुंची थी स्थानीय बाजार में, लेकिन अभी क्रूड ब्रेंड क्रूड है 38 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड है 35 डॉलर प्रति बैरल। इसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये एक चिंता का विषय है और जो प्रबंधन है इसके ऊपर बड़ा सवाल उठाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल का ट्रेड करती हैं वो सभी सरकारी कंपनियां हैं, और सरकार की अनुमति और सहमति के बिना यहाँ कीमतों का निर्धारण नहीं होता। ऐसे में ये सरकार के लिए भी एक विचार करने योग्य विषय है कि किस तरह से जब ऐसे लोग महामारी का सामना कर रहे हैं, कई तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, ऐसे में यदि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा, क्योंकि माल भाड़ा बढ़ेगा और आम उपभोक्ता के ऊपर महंगाई का एक अतिरिक्त दबाव होगा। जी, बड़ी एक चिंता का विषय है। और इसमें खासतौर से जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रही है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने पर सीधा सीधा सवाल उठता है कि आखिर प्रबंधन की नीति क्या है, पेट्रोलियम कंपनियां आखिर किस दिशा में काम कर रही हैं। जी बिल्कुल बीके, एक और चीज है, राजस्थान की अगर विशेष तौर पर बात करें तो पिछले 9 दिन में 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, तो सीधा सीधा जो दबाव है वो आम नागरिक की जेब पर पड़ता हुआ राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ जयदी, बिल्कुल सही बात है। इसके राजस्थान में देखें, राजस्थान की तरह पूरे देश में भी आम नागरिकों की जेब पर दबाव पड़ना जाहिर सी बात है। ज्यादातर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में खासतौर से देखेंगे कि लोगों के रोजगार छिने हैं, नौकरियां गई हैं, सैलरी में कटौती हुई है। ऐसे में ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें, क्योंकि डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो माल भाड़ा ढुलाई बढ़ती है, और इसकी वजह से जो आम उपभोक्ता वस्तु है उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और दूसरी ओर से लोगों की आय कम हुई है पिछले दिनों में, तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेगी तो सीधा सीधा आम लोगों के जो घरेलू बजट है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और प्रदेश में और पूरे देश में सभी जगह ये कीमतों का असर है, और इसके कारण आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जी 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 बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।